स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम। अब लास्ट टाइम हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और उससे पहले हमने मैट्रिसेस देखा था, तो लास्ट क्लास में आपने कहा था कि मैट्रिसेस एक दफा फिर से, तो अब आखिरी दफा मैट्रिसेस का 3x3 का जाना देख लेते हैं। हमने इनवर्स देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, तो एक 3x3 अगर हम मैट्रिक्स बना लें उसकी जनरल नोटेशन के साथ, जिसमें हम ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे फर्स्ट रो में सारा 1 1 1 2 1 3, ये सेकंड में 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। अब इसका जब हमने इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ, अब हमने 2x2 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, अब 3x3 का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। अब इसमें दो चीजें हमारे पास, एक आ जाता है माइनर और एक चीज है कोफैक्टर। अब अगर हम पहले डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिख के बता दें कि उसमें माइनर और कोफैक्टर क्या है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहला एलिमेंट a11 इंटू, अब माइनर क्या है हमारे पास, इंटू इसका माइनर हम कर रहे हैं। माइनर हमारे पास क्या है कि ये a11 है, तो इसकी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हमने कैंसिल कर देना। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा, जो 2x2 मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स बच गया है a22 a23 a32 और a33, ये हमारे पास इसका माइनर है। और माइनर हमारे पास, इसको हम m से m i j, माइनर हमारे पास क्या है, हम ith रो और ith कॉलम को कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 1 1 था तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया, अब जो रिमेनिंग हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है वो हमारा माइनर है। कोफैक्टर को हम कैपिटल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं i j से, कोफैक्टर हमारे पास है -1 की पावर i + j (-ij). तो बेसिकली यहां हम असल में कोफैक्टर लगा रहे हैं। अब इसमें क्योंकि हमारे पास 1 1 था तो 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव आया। अब सेकंड, अब अगर हम करें 1 2 का, हम पहले पूरी रो का कोफैक्टर्स को जो है ना ऐड करें, तो जब इसमें आई हमारा 1 है जे 2 है, तो ये हमारा माइनस साइन आएगा, साथ हमारा a12, और a12 का मतलब हमने अब ये रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, a21 a31, और यहाँ पे हमारे पास a23 a33, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब थर्ड का हम लें तो हमारे पास 1 3 है, 1 + 3 4, और -1 की पावर 4, ये दोबारा हमारा पॉजिटिव हो गया, और साथ हमारा a13, और a13 का मतलब हमने अब ये रो को हमने कैंसिल करना है और ये कॉलम, तो पीछे हमारे पास ये बच गया a21 a31 a22 और a32। नजर आ वो तो मुझे भी आ रहा था, स्कूल वाले क्वालिटी इतनी अच्छी यूज कर रहे हैं, पता है तुम्हें स्कूल वाले बात पता है, डिस्कनेक्ट हो गए क्या, वो वापस आ चुके हैं। ओके मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वालिटी के डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल एमएन की क्लास नहीं ली ये वाली, लाइट्स ऑन किया पता नहीं सर पता आएगा, मैंने लिंक सेंड कर दी उसको, मे बी आ जाए, मीटिंग है सर इनवाइट कर देना उसको, वहां कर दिया मैंने इनवाइट उसको।
मैथ्स में क्या हुआ था? भी होती हैं x की वैल्यूज, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा माइनस x एक्सिस है और ये हमारा माइनस y एक्सिस है। अब इसका क्या मतलब है, हमें एक पॉइंट गिवन होगा, यहां पर हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर हम ये, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्सिस है। अब सेकंड पे जब हम चले जाए तो यहां हमारा एक्स जो है वो अब हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन y हमारा यहां पर पॉजिटिव है। इस तरह हम थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चले जाएं, तो यहां पे हमारा x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और लास्ट हमारा जो फोर्थ है, इसमें हमारे पास x पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। मतलब हमारे पास जो अब x एक्सिस से ऊपर है वहां पे हमारे पास y पॉजिटिव होता है, और जब हम x एक्सिस से नीचे आ जाएं तो y हमारा नेगेटिव हो जाए। सिमिलरली हम y एक्सिस देखें तो राइट साइड पे x पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव है। अब इस पे हम जो है ना कैसे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, हमें सपोज कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, जैसे हमारे पास है 1 3। तो अब इस 1 3 का मतलब क्या है हमारे पास, कि ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट पे हमने 1 पॉइंट मूव करना, ये हमारा होता है ओरिजिन, जो सेंटर पॉइंट है हमारा, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। यहां से हमने x एक्सिस में 1 पॉइंट आगे जाना है और y एक्सिस में हमने 3, ये हमारा वो पॉइंट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 1 3। इसी तरह हमने मतलब के जो पॉइंट गिवन होगा वो हमने इस एक्सिस पे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, इस पे हमने प्लॉट कर दिया। अब इस पे हम जनरल अगर इक्वेशन देखें, तो आपने फंक्शंस हमने पढ़े थे, किस तरह के फंक्शन होते हैं, हमारे पास लीनियर फंक्शन था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, पावर फंक्शन थे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है तो उसको प्लॉट कैसे करते हैं, और उसके बाद अगर हमें वो प्लॉट हुई भी गिवन है तो उधर से हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है। इसका मतलब कि ये एक हमारे पास सिंपल लाइन है जिसमें ये हमारा y एक्सिस का पॉइंट होगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये c हमारा y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, और ये हमारा ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मैंने पहले भी बताया था, हमारा ग्रेडियंट का हमारे पास बहुत से फॉर्मूले हैं। अगर हम देखें तो अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, हमें x1 minus x2, तो इसको हम, ये हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। ग्रेडियंट बेसिकली हमारी स्लोप है उस लाइन। अगर हमने एक लाइन बना दिया है, ये हमारे पास लाइन है, तो इसकी जो स्लोप है हमारे पास, ये हमारे पास y is equal to mx plus c। अब इसकी जो स्लोप है हमारे पास, वो हमारे पास ग्रेडियंट होता है। और c हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट हमारा क्या है कि ये इस y एक्सिस को, ये लाइन किस y एक्सिस पे, किस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है इस पे ये इंटरसेप्ट कर रही है, सपोज ये हमारा 3 है, तो y इंटरसेप्ट हमारा 3 आ जाता। और अगर हम देखें ये पॉइंट हमारा
टू वैलेट से, तो अब हमें ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। ग्रेडियंट के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, तो दो पॉइंट कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर हमारा प्लस थ्री, तो ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है। इसमें ये हमारे पास ग्रेडियंट है और ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। अब ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, मैंने आपको जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो बताया था कि ग्रेडियंट का एक इजी फॉर्मूला हमारे पास क्या है, राइज ओवर रन। अब राइज ओवर रन के लिए हम सबसे पहले इस पूरी एक लाइन पे कहीं एक ट्राइंगल बना देंगे। जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, हम इसको देख लें, तो हमारे पास राइज कितने यूनिट राइज हो रहा है? हमारे पास थ्री यूनिट राइज हो रहा है, और अपवर्ड हम जाएंगे तो वो राइज हमारा पॉजिटिव है। अगर हम नीचे आ रहे हैं ट्राइंगल में तो वो हमारा नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर हम राइट पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेफ्ट पे जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो अब इस साइड ओरिजिन पे लेफ्ट पे जा रहे हैं तो ये हमारा माइनस, तो हमारा ग्रेडियंट आ गया माइनस थ्री बाई। तो ये आसान तरीका है, हम इक्वेशन की लाइन को देख के हम ग्रेडियंट देख सकते हैं कि क्या है। अब अगर हमारी लाइन इससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर